वालेकुम। क्या नाम है? इकरा। आपका? युश्रा। क्या करती हैं आप? फार्मेसी। आप क्या करती हैं? फार्मेसी। दोनों सहेली हैं? वेरी गुड। दोनों ने ड्रेस एक ही जगह से बनवाया? नहीं, एक जगह से नहीं, लेकिन सजेशन से बनाया। सजेशन से बनाया, वेरी नाइस। आज के इवेंट के लिए बनाया? नॉर्मली होता था स्कूल टाइम में, जब आप लोगों को यू नो टीचर्स कहती थी बेटा कल ये है, आपने ये वाले कपड़े लेके आने हैं, जो पैसे लगते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे पीपल डोंट डू दिस, ठीक है, लेकिन आप लोग करके आए हो, वेरी नाइस। शोज के आप लोग अभी बच्चे हो? चले बताए, दोनों एक जैसी है तो कंपेरिजन तो हो नहीं सकता, इवन के बैंगल्स भी सेम है, ठीक है। बाकी लड़कियाँ कैसी लग रही है? सारे अपनी जगह पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। मतलब पूरी डिप्लोमेट बची है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने, आप लोगों को मैं रेट नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम लोग फेसबुक पे लोगों से पूछ लेते हैं आपकी रेटिंग। आपका नाम क्या था? इकरा। इकरा एंड युश्रा। इकरा और युश्रा को प्लीज आप लोग बताइएगा कि ऑल पिंक एंड दिस ऑल यू नो बैंगल थिंग एंड द ज्वेलरी वगैरह ये लोग कैसी लगे। फेसबुक पे हमारा पेज है 11 नंबर के नाम से, प्लीज वो दे और आप लोग अपनी रेटिंग देख लीजिएगा कि आप में से बेहतर कौन लग रही है, ठीक है। वैसे आपको क्या लगता था, आप कितनी वेयर यू स्टैंड 11 में से? मैं अपने आप को नहीं करूंगी। अच्छा, आप भी नहीं करेंगी? चलो दोनों जाओ, खाओ पियो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? निशान कदीर। निशान साहब, क्या बात है, पंजाबी? उल्टा पंजाबी, छागे पंजाबी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस चीज की प्रैक्टिस की थी, मतलब यही इन ही है ये पंजाबी वाली चीजें, जैसे पंजाबी नाम आया बस हमने नहीं जी, पंजाबी कल्चर को प्रमोट करना था हमारे हाउस में। वेरी गुड। उसी को पंजाबी कुर्ता तो 3000 पे। वी हैव एवरी हाउस, हर सूबे का हाउस है यहाँ। बिल्कुल। लेकिन स्टिल आप लोगों में यूनिटी है, मुकाबलेबाजी तो नहीं है? नहीं, यूनिटी है इंशाल्लाह, हर एक प्रमोट कर रहे हैं कल्चर का, प्रमोट कर रहे हैं यूनिटी के साथ, ठीक है। देयर इज नो इशू जी, कोई यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा कि बलोची अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, सब पाकिस्तानी है। बिल्कुल, सब भंगड़ा करके दिखा दो थोड़ा सा। ये नरगिस आ गई थी थोड़ी सी बीच में, लेकिन उसने कवर किया है। वेरी नाइस। आज की अपनी टीम को ना, लुक को रेट कर दे 1 to 11, व्हाट डू यू थिंक? जूते नहीं होने चाहिए थे? कोई बात नहीं, होना चाहिए था, आई नो, बस नंबर काट के। पंजाबी वॉच नहीं पहनते? नहीं, बिल्कुल पंजाबी नहीं पहनते। चाहो तो शुरू हो जाए, लेकिन बनता नहीं है क्योंकि वो थीम में आए बिल्कुल, तो जो उनको मिला एक दिन का फंक्शन होता है उसके लिए पैसे बंदा नहीं लगाता। थैंक यू जी, लंबा चौड़ा सारे साथ। थैंक यू। कोशिश करूंगा जो थीम में लोग हैं उनकी बात की जाए, और जो लोग बहुत ठंडे हैं जिन्होंने आज बिल्कुल ही कुछ नहीं किया उनसे बात कर क्या नाम है? सैन उल आबदीन। सैन, बहुत प्यारा कुर्ता और शलवार माशाल्लाह पहनी है। ट्रेडिशनली आए हो जी, फिर बालों को क्या किया? बस वो अभी बनाया। माना नहीं, सच बता, अभी बनाया ये बाइक पे। तीन चार बॉन उसने इकट्ठे मेरे पे फेंके, मैं बारी बारी सबको एवेल्युएट करूंगा। सबसे पहला बाइक पे आयो, बाइक पे तो बाइक स्पाइक्स बना देती है, डांस करते हुए स्पाइक्स बन जाते हैं। नहीं बनते नहीं, अभी आगे स्पाइक्स बनते नहीं है, ये खराब हो गया मैंने बनाया। दूर से ये लड़का बहुत प्यारा लग रहा था, यू कैन सी द कुर्ता एंड शलवार, वेरी माशाल्लाह पॉश बैंड्स, और ये वॉच भी स्पोर्ट्स वॉच है, खैर कोई मसला नहीं, लेकिन स्टिल यू कैन सी स्पाइक्स जो है उसके साथ नहीं जा रहे। बस वो क्या छोड़ने वाला, क्या नहीं जा रहे छेड़ों पर? नहीं, सही नहीं लग रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो आप माशाल्लाह जो पूरी लुक थी ना उसको डिस्टर्ब करें, ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। आज की ड्रेसिंग को रेट करो 1 to 11। 8। वाई 8? बाकी ड्रेसिंग वॉच भी जो ड्रेसिंग के साथ नहीं जा रही थी, सैंडल जो है वो माठा है। लेकिन ये हमने पहले भी कहा था कि मैंने कहा था ठीक है, ट्रेडिशनली आज एक फंक्शन है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज का पढ़ने नहीं आए, उसके ऊपर कुर्ता शलवार है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे बताओ कहीं से बचो। मैंने कहा वॉच बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है कि तुमने पहनी है, पर मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ नहीं पहननी चाहिए। अब ये मिली यही थी नहीं, यहाँ कहाँ रहता तू सर यूनिवर्सिटी में, हर चीज़ यहीं से। अब यहाँ से हमें क्या, कोई मसला नहीं, स्टिल आपने 8 दी, हम लोग इनको जरूर काटेंगे और आपको ठीक करेंगे। थैंक यू सैन, लवली टॉकिंग टू यू, लुकिंग गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? खुदा भाई। क्या करती हैं? मैस्कॉम। ये क्या है? कैलाश का जो आपकी लुक है, ये क्या है? कैलाश। कैलाश, ये कहाँ होते हैं लोग? कैलाश में। कैलाश में? नहीं, फिर भी कौन सा रीजन है? थोड़ा सा उधर कैमरे की तरफ। पाकिस्तान में कहीं होगा कैलाश, मुझे क्या पता। अच्छा, वेरी लुकिंग वेरी नाइस। ये पहला है बंदा जिसने ड्रेसिंग भी की है लेकिन उसे पता नहीं लोकेशन किधर है। ये किसने बनाया? मेरी मामा ने। वेरी नाइस। उन्हें पता कैलाश का है? पूछा नहीं। क्लास गेम तो सुनती सुनती उन्होंने ये टोपी बना दी? नहीं, मैंने उन्हें पिक्चर्स दिखाई थी। ओके, तो उन्होंने उसे कॉपी किया। कितने दिन लगे, कितने पैसे? पैसे मैंने गिने नहीं, चीजें जगह जगह से। ये भी क्लास की ट्रेडिशन है कि अपनी है? ये क्लास के गले में पहने होती है, मैंने हाथ में पहन ली।
Are you satisfied with your look? Because जो theme dressing में लड़की है उनके बारे में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका fashion नहीं है. लेकिन still are you satisfied कि मैं आज बहुत अलग लग रही हूँ? इतना नहीं कि अलग लग रही हूँ, लेकिन satisfied हूँ कि मैं. ठीक है, very nice. तो rate yourself 1 out of 11 out 11 में से number दीजिएगा अपने आपको. 8. 8. Why theme क्यों काट ली? मुझे पता मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई. वो मुझे नहीं पता चला ना कि आप परफेक्ट क्यों नहीं है. मुझे तो आप सही लग रही है. बैंगल्स भी थे, यू नो, ड्रेसिंग पूरी बिल्कुल सही थी. इतना मुझे पता, नंबर आपने काटने हैं. नहीं नहीं, मैंने नहीं काटने थे. यही तो बात है कि मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ. मुझे तो नजर नहीं आया कुछ गलत. कोई भी परफेक्ट तो नहीं ना होता. वो तो अच्छी लाइन है ना, वो तो पॉलिटिशियंस अच्छी यूज करते हैं. कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बिजली तो जाएगी जाएगी. वो तो छोड़ दे, आप अपने अंदर खामी दिखाए मुझे. अब मैं यहाँ पे थोड़ी बोल सकती हूँ. नजर आने वाली खामी चाहिए थी, आप दूसरी खामी. तो नजर आने वाली है, बहुत ऑब्वियस है. अच्छा, नहीं, इट्स ऑल अबाउट ड्रेसिंग. हम हाइट पे, लुक्स पे. मुझे लगता है कि जैसे मेरे पे इतना सूट नहीं करता. नहीं नहीं, यू लुकिंग रियली प्रीटी. मैंने लिंक में पहले ही कहा था कि आप बहुत प्यारी लग रही, इसलिए मैं आपके पास आया था. प्यारी लड़कियों का इंटरव्यू लेता मैं, आपको तो किसी ने बताया नहीं है. स्टिल खामी है कोई? नहीं होगी फिर. चले, अपने आप पे 11 है. मैंने 80 दी है. चलो ठीक है, थैंक यू, लव यू टॉकिंग टू.